पीछे मार, पीछे मार, गलवा को, गलवा को। अरे बूंदा बूंदा बूंदा, दिख 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 दिख, भाग 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 भाग। अरे गिरा गिरा गिरा, अरे अरे बचा बचा, अरे जा। हमने कलवा को मारने का बहुत ही कोशिश किया, पर कलवा हमारे हाथ से छूट के भाग गया। एक बहुत ही बड़ा सुनामी आया, जिसमें 118 एप्लीकेशन के साथ साथ हमारा पबजी भी बह गया। पबजी के जाने के बाद लोगों का क्या हाल है, आइए देखते हैं। सोचा कुछ पी कर तुझे भुला दूंगा, पर पी कर भी याद आया तुम, इतनी सी बात को छोड़ गया, जाना ही था तो आया क्यों जीना। जिंदगी में हर चीज़ का स्वाद चखना चाहिए, और मेरा भी एक सपना था कि मैं भी एक ना एक दिन सब्जी नहीं नहीं पबजी पबजी का स्वाद चखूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि पबजी बेवफा था। दोस्तों अभी तक आपको तो पता चल ही गया होगा मैं किसका बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ पबजी का, जो कि अब इस इंडिया पे नहीं रहा। दोस्तों अभी के टाइम पर पबजी लवर्स बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं होता होगा कि पबजी बैंड हो चुका है, और ये भी हो सकता है आप इस वीडियो को देखने के बाद प्ले स्टोर पे जाके सर्च करो पबजी है या नहीं है। अगर आपने स्मार्टफोन पे पबजी डाउनलोड करके रखा है तो आप पबजी को ओपन करके देखोगे कि पबजी चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर अभी पबजी इस टाइम पर चल रहा है तो ये कुछ ही दिनों तक चलेगा, उसके बाद फिर पबजी को टोटली बंद कर दिया जाएगा, टोटली बैंड कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर ये पबजी आपके फ़ोन पर नहीं चलने वाला है, ना ही पीसी पर। पबजी बैंड होने से लोगों को बहुत सारा लॉस भी हुआ है, बहुत सारा बेनिफिट भी हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं लॉस के बारे में। बहुत सारे लोग पबजी को खेलकर बहुत सारा पैसा अर्न कर रहे थे, लेकिन अब पबजी बैंड हो चुका है तो उन लोगों को बहुत। इसी के साथ साथ लोग पबजी खेलकर अपना दिन काट रहे थे, अपना टाइम पास कर रहे थे, लेकिन अब दिन कटना और टाइम पास करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब बेनिफिट के बारे में क्या ही बताऊं दोस्तों, बेनिफिट यहां पर बहुत सारा है। जहां पर लोग रात भर पबजी खेल के अपना टाइम पास कर रहे थे, वहां पर अब लोग टाइम पर सो पाएंगे और अपना नींद पूरा कर पाएंगे। इसी के साथ साथ लोग कॉल रिसीव नहीं करते थे जब पबजी गेम खेलते थे तब, तो अब लोग कॉल भी रिसीव करेंगे, और जो बहुत सारे लोग अपने काम पर फोकस कर पाएंगे, स्टूडेंट अपने पढ़ाई पर फोकस कर पाएंगे। और इसी के साथ साथ जब लोग गेमिंग करते थे, गेमिंग खेलते थे, तो अपने मम्मी पापा के बात भी नहीं मानते थे, तो यहाँ पर लोग अपना मम्मी पापा का बात भी मानेंगे, तो बहुत सारा हमें यहाँ पर बेनिफिट्स देखने को मिलता है। दोस्तों इन फ्यूचर हो सकता है कि पबजी वापस आ जाए, अगर पबजी वापस आ जाता है तो मैं भी एक बार चिकन डिनर जरूर करना चाहूँगा। पबजी बैंड होने के बाद अब मुझे लगता है मुझे भी एक गेमिंग चैनल स्टार्ट करना चाहिए, जिस पे मैं आरसी प्लेन और ड्रोन सिमुलेटर का गेम खेलूंगा। तो क्या मुझे गेमिंग चैनल स्टार्ट करना चाहिए, आप लोग कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एक वीडियो को लाइक कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों।